बढ़ते प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए आज जैव ईंधन समय की बहुत बड़ी मांग हो गई है। यह परियोजना न केवल गोंदिया जिले में बल्कि विदर्भ में भी एक नई क्रांति की शुरुआत करेगी। विजयादशमी के पावन अवसर पर गोंदिया तालुका के रायपुर में जैव ईंधन और जैव उर्वरक उत्पादन परियोजना के शिलान्यास समारोह के अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नैना गुंडे ने कहा, रुचि एक्स बायोफ्यूल्स द्वारा लिया गया। कृषि एवं बायोफ्यूल्स के क्षेत्र में ठाकुर परिवार का एक महत्वपूर्ण कदम है। यह परियोजना विदर्भ के लिए रोल मॉडल और जिले में किसानों के विकास में एक नई दिशा लाएगी। परियोजना के शिलान्यास समारोह में जिला कलेक्टर नैना गुंडे, जिला परिषद सीईओ अनिल पाटिल प्रजापति, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय गोंदिया निदेशक कामटी की प्रेमलता दीदी, कृषि अधीक्षक प्रणाली चौहान, रुचि बायो कंपनी बायोफ्यूल्स लिमिटेड के संस्थापक राम ठाकुर, रायपुर के सरपंच मनोज कोले बलमा डोला, सरपंच पाची उपस्थित थे। गोंडवाना पावर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के निदेशक महेंद्र ठाकुर और बालचंद ठाकुर ने इस शिलान्यास के कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों का दिल से आभार प्रकट किया। आज विजयादशमी के पावन पर्व पर गोंदिया जिले में गोंदिया तालुका में जैव ईंधन या जैविक खत प्रकल्प का भूमि पूजन और पाया भरनी सोहरा, जिसको हम फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी कहते हैं, माननीय आदरणीय जिला अधिकारी तथा इस क्षेत्र के सीईओ, तहसीलदार, एसडीओ तथा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आदरणीय रत्नमाला दीदी, आदरणीय प्रेमलता दीदी और गोंडवाना पावर प्रोड्यूसर कंपनी के सभी डायरेक्टर्स और पूरे तालुका से आए हुए सभी सभासद और जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया है, सबके समक्ष इस सोहरा संपन्न हुआ है। और इस कार्यक्रम को, इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए आज से हमने सिविल वर्क के काम की शुरुआत की है। और इस प्रोजेक्ट की डिटेल जानकारी इस प्रकार से है कि जो हम इस प्रकाशे में देख पा रहे हैं, यहाँ से जैसे रोड आता है, रोड के साइड से हमारी ये पार्किंग, कार पार्किंग एरिया है। जो ट्रक्स आएंगे, हमारा लोड आएगा तो सारे ट्रक्स यहाँ पार्क होंगे और यहाँ से एंट्री करने के बाद यहाँ हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, ऑफिस है, गार्डन है और ये प्रोसेसिंग एरिया है जिसमें हम रॉ मटेरियल को स्टोर करके रखेंगे। और यहाँ से फिर रॉ मटेरियल स्टोर होकर हमारे पास जो बायोडाइजेस्टर्स है, जो बायोडाइजेस्टर्स पूरे रॉ मटेरियल को, जो बायोमास है उसको फर्मेंट करने की प्रोसीजर जो है वो चार स्टेज में दिखाया गया है। चार स्टेज में, हर स्टेज में अलग अलग जैव प्रक्रिया होगी जिसके माध्यम से ज़्यादा गैस का निर्माण होगा, मिथेन गैस का निर्माण होगा, CO2 का निर्माण होगा और ये अलग अलग क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो एक यूनिट में चार बायोडाइजेस्टर्स है और एक डाइजेस्टर्स की कैपेसिटी 130 मैट्रिक टन कैपेसिटी है। और इस माध्यम से जो बायोरिएक्टर से जो गैस तैयार होगी तो इसकी कैपेसिटी जो है 1,00,000 किलो गैस पर डे इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जिसको हम शुरू में 10,000 kg पर डे के हिसाब से हम इसको शुरुआत करेंगे। और ये जो गैस तैयार होगी इन बलून्स के माध्यम से इनको यहाँ कलेक्ट किया जाएगा और ये गैस बलून्स में से ये क्षेत्र में उनका प्यूरिफिकेशन और अलग अलग गैस को तैयार किया जाएगा, उसको कॉम्प्रेस किया जाएगा ताकि इस गैस को कुकिंग गैस के तरह भी इस्तेमाल किया जा सके। कॉम्प्रेस करने के बाद इसके ऊपर जो वाहन चलने वाले हैं, चाहे यह दो पहिया हो, चार पहिया हो, सभी वाहन के लिए ये गैस उपलब्ध कराया जाएगा। और इसी गैस को हम अगर चाहे तो जनरेटर के माध्यम से हम इलेक्ट्रिसिटी का भी उत्पादन कर सकेंगे। और इसी, इसमें जितना भी ये स्लरी निकलेगी, जो बायोमास निकलेगा, वो बायोमास पूरा का पूरा इस जगह पर एज अ जैविक फर्टिलाइजर, जैविक खाद के माध्यम से उसको यूज़ किया जाएगा और यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत ही कम दाम में, सस्ते दाम में एक बहुत गुणवत्तापूर्ण जैविक खाद तैयार मिलेगा जो हम अपने किसानों को दे पाएंगे। गोंदिया से BCN न्यूज़ के लिए अभिषेक भटनागर के साथ हर्षद चूटे की रिपोर्ट।